हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक फ़ोटो से 42 फ़ोटो किस तरह से बनाते हैं A4 शीट पे और बहुत ही कम रेट में आप दे सकते हैं अच्छे मुनाफा कमाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं Adobe Photoshop 7 ओपन करते हैं, जो कि 7 हर किसी के पास लगभग मिल जाता है, इसलिए तो Photoshop 7 यहाँ पर ओपन हो गया। और यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं और एक फ़ोटो ओपन करता हूँ। तो मैं अपना एक फ़ोटो ओपन कर लिया। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो ओपन करने के बाद में सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपको साइज़ क्या रखना है, इसको क्रॉप कितने साइज़ में करना है। और यहाँ पर देखिए कि आपके पास वेथ मिलेगा और हाइट मिलेगा। तो वेथ में आपको कितना रखना है, तो वेथ में रखना है आपको 360 pixels टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हाइट में रखिएगा 450 pixels, ठीक है, रेजुलेशन 300 ही रखिएगा। उसके बाद में यहाँ से क्लिक करके, इस तरह से क्लिक करके खींचिएगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा क्रॉप। जितना आपको क्रॉप करना है, जितना साइज देना है क्रॉप का, अब यहाँ से एंटर करके क्रॉप कर लीजिए। तो मैं इसे क्रॉप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दो है, चाहे तो आप हर बार 1:40 बनाइए या फिर एक बार बना लीजिए और हर बार ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक बनने के लिए क्या करना होता है, एक्शन रिकॉर्डिंग करना होता है। तो विंडो पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर एक्शन, तो एक्शन रिकॉर्ड में कर लूँगा ताकि मुझे बार बार ये काम ना करने पड़े। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ आधार कार्ड वाले पर, यहाँ से एक न्यू एक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 42 copy। और यहाँ से एक्शन का कोई फंक्शन की, जैसे 12f12 सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर लेना है Ctrl+N New Page, Ctrl+N, और यहाँ से हमें साइज करना है A4 शीट, ठीक है, और रेजोल्यूशन 300, क्योंकि क्रॉप करते समय हम 300 रखे थे। ओके, अब इसे साइड में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अपने टारगेट को इसको क्लिक करते हैं, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी, और इस पर आकर न्यू पेज पर Ctrl+V पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर हमें इसको देना है बॉर्डर, तो Alt+E+S, ठीक है, और जितना बॉर्डर होगा इसका ब्लैक कलर का, और जितना 3-5 आप जितना देना चाहें, आप आउट बॉर्डर उतना दे सकते हैं यहाँ से। ओके, तो बॉर्डर आ गया। अब इसे हम साइड में कर सकते हैं या फिर इसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इसे नो कर सकते हैं, ठीक है, नो। तो यहाँ से क्लिक किए, Ctrl+ कर लेते हैं इसे, और इसे यहाँ पर रखते हैं बिल्कुल कॉर्नर में अपने हिसाब से जगह देखकर, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, Alt+Shift दबाकर इसे कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये 6 फोटो यहाँ पर रख लिए और इस पे लेयर पे जाकर, हम लेयर ऑप्शन पे जाकर और 6 के 6 को ज्वाइंट कर देंगे। तो कैसे होगा, Ctrl+E से, तो Ctrl+E करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लेयर ज्वाइंट हो रहा है, तो लेयर ज्वाइंट हो गया। तो हमारा जो था एक लाइन, ये बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर देंगे, Alt और Shift से ऐसे कॉपी कर देंगे। तो सबके सब कॉपी हो गए। यदि आपको साइज एडजस्ट करना हो सही से, तो फिर से आप जाकर सिलेक्ट करके आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इतना इतना रखना, जितना जितना साइज। तो ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। मैं नॉर्मल तरह से कॉपी किया, Ctrl+E ज़्यादा नहीं यूज़ किया। तो यहाँ से अब हम Ctrl+E करके सबको ज्वाइंट कर देते हैं, तो सारे के सारे लेयर चारों के चारों ज्वाइंट हो गए। तो देखिए एक साथ में सब हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे Ctrl+A सेलेक्ट ऑल और यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन से अलाइनमेंट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से Ctrl+D करके, पहले से ये पेज पे सही से फिट है, और तो यहाँ से Ctrl+E करेंगे, तो देखिए ये फ़ोटो तैयार हो गया और 42 कॉपी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 है और 7 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 42 कॉपी तैयार है।
अब हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, तो अभी से हम क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि हर बार मुझे बनाने पड़ेगा कि ऑटोमेटिक बनेगा। डबल क्लिक करके यहाँ से एक फ़ोटो ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद में इसे क्रॉप करते हैं और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में एंटर कीजिए और जो मैं फंक्शन की में F12 सेलेक्ट किया था, F12 फंक्शन की से प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये हमारे सामने फोटो 42 बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स यदि आप बना पाते हैं तो यदि बना सकते हैं तो आप वीडियो देखिए, बना सकते हैं, बहुत आसान है। यदि आपसे नहीं बन पाता है तो आप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये एक्शन का लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जाइएगा और जाने के बाद में एरो पे और यहाँ से लोड एक्शन का ऑप्शन होगा, लोड एक्शन पे जाइएगा और जिस तरह से एक्शन यहाँ पे शो करेगा इसको क्लिक करके आप लोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा कॉपी हो जाएगा इसलिए मैं नहीं किया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा और बहुत आसानी तरीके से सिर्फ F12 दबाकर 42 कॉपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पर न्यू है तो। वैसे वीडियो तो थोड़ा सा घिसा पीटा था, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।